तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे टर्मक्स में AI यहाँ पे सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है एंड मैं इसको यहाँ पे सिंपली यूज भी कर पा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आस्क कमांड लगा के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या फिर मैं कुछ भी यहाँ पे जनरेट करवा सकता हूँ, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने टर्मक्स में या फिर आप अपने लिनक्स में AI को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हे गाइस, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलेक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड यूजेस आपको टर्मक्स में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको लिनक्स के लिए चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं लिनक्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्मक्स को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना है। एंड जब यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए कमांड लगा दीजिए apt install python एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे पाइथन का pip भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दो apt install python-pip। तो इससे यहाँ पे pip भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक्चुअली पाइथन का कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के काम आता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे पाइथन का एक लाइब्रेरी जो कि OpenAI का है तो उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए pip install space openai == 0.28। तो एक्चुअली हम OpenAI का 0.28 वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप ये कमांड लगा के एंटर करोगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पे उस डायरेक्टरी में चले जाना है जहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट रखे हो। तो ये स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलेगा तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट को नैनो एडिटर में ओपन कर लेना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए nano space man.py एंड आप ये कमांड लगा के एंटर करोगे तो ये आपके नैनो एडिटर में ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन पे एक कमेंट दिखेगा जो कि ये डिफाइन करता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया कोड है। तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये एरर दे सकता है। एंड इसके बाद आप अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा API का। तो आपको यहाँ पे पहले ब्लैंक मिलेगा, तो आपको यहाँ पे आपका अपना OpenAI का API यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करना है तो ये फाइल सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस करके फाइल से बाहर आ सकते हो। जब आप ये कर लो तो उसके बाद आप यहाँ पे बाहर आने के बाद कमांड लगाइए mv space man.py space /data/data/com.termux/files/usr/bin/ask। तो ये आस्क एक्चुअली जो आप लास्ट में देख रहे हो आस्क मैंने लगाया, तो ये एक्चुअली आपका जो man.py फाइल है ये स्क्रिप्ट का, तो ये आपके बिन फोल्डर में मूव कर देगा एंड वहाँ पे जाके ये न्यू नेम से मूव होगा जो कि होगा आस्क। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फाइल का नाम भी बदल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आस्क रखा है, तो आस्क एक्चुअली क्या करेगा कि जो मेरा कमांड बनेगा वो आस्क नेम से बनेगा। अगर आप यहाँ पे आस्क से हटा के कुछ और रखना चाहते हो तो आपका कमांड उस नेम से होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये कमांड लगा के एंटर करोगे तो ये आपके बिन फोल्डर में मूव हो जाएगा, वो भी न्यू नेम से। एंड इसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए chmod +x space /data/data/com.termux/files/usr/bin/ask। आस्क के जगह पे आप अपने फाइल का नाम लिख दीजिए अगर आपने कुछ और रखा है तो आप ये लगा के एंटर करोगे तो ये जो फाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाएगा एंड अब आप इसको एज अ कमांड यूज कर सकते हो। तो इसका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप इसको यूज करने के लिए आप सिंपल सा कमांड लगा सकते हो आस्क। एंड इसके बाद आपको जो भी कुछ पूछना हो या फिर जो भी कोड को जनरेट करवाना हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो एंड इसमें कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखवा रहा हूँ पाइथन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे इजीली रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको टर्मक्स में यूज करते हुए कुछ एरर मिलता है तो आप सिंपली इसको एरर भी सेंड कर सकते हो आस्क कमांड का यूज करके, तो ये एरर का सॉल्यूशन भी दे देगा। तो आप कुछ इस तरह से अपने टर्मक्स में AI को इंटीग्रेट कर सकते हो एंड उसका यूज कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं कि आपको ये फाइल कहाँ मिलने वाला है। तो आपको फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।